यथा दृष्टि तथा सृष्टि। एक नवविवाहित जोड़ा एक शहर में रहने गया किराए के मकान पर, और जब वो दोनों मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने टेबल पर पहुंचे तो सामने वाली खिड़की से उन्होंने देखा कि लोगों ने गंदे कपड़े टांग रखे थे, और उसने बोला कि कैसे लोग हैं जिन्हें कपड़ा साफ करने का भी तरीका नहीं आता। दूसरे दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जब करने दोनों बैठे तो फिर जब जब वो लोग कपड़े साफ करके और सामने सुखाते, उसकी वाइफ तब तक वो बात छेड़ती, ये लोग कैसे हैं, कपड़े साफ करने का तरीका भी नहीं है और कितने गंदे तरीके से कपड़ा साफ किया हुआ है। हस्बैंड इस बात को सुनता और इग्नोर कर देता। इस बात को लगभग एक महीने हो गए और ये रोज रोज का सिलसिला बन गया। एक महीने बाद जब वो दोनों टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो अचानक से वाइफ ने फिर देखा और देखा कि सामने कपड़े बिल्कुल साफ टंगे हुए हैं। तो वाइफ ने बोला कि जरूर इनको किसी ने टोका होगा, तभी इनमें अकल आ गई। तो हस्बैंड ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है। वाइफ ने बोला, आपको कैसे पता? हस्बैंड ने बोला कि इस खिड़की के बाहर जो कांच लगा हुआ है, मैंने बाहर से जाके उसे क्लीन किया, जिसकी वजह से तुम्हें कपड़े साफ दिख रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, कितना भला बुरा सोचते हैं, कितनी गालियां देते हैं, कितना क्रिटिसाइज करते हैं, एक्चुअली में हम जिस तरह हैं उस तरह सोचते हैं। हम जैसा हैं वैसा ही लोगों के बारे में सोचते हैं। इसलिए किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले, कहने से पहले, हमें अपने मनोस्थिति एक बार जरूर जांचनी चाहिए। ना दिन है ना रात है, ना दिन है ना रात है, कोई तन्हा ना साथ है, जैसी आंखें वैसी दुनिया, बस इतनी सी बात है। एंड दिस सब्जेक्ट वॉज गिवन बाय माई वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच टू ऑल माई व्यूअर्स हु आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग मी एंड गिविंग मी लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स टू क्रिएट द रील्स। थैंक यू वेरी मच।